एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं रोज रात को चेस खेला करता था। मैं रात को जल्दी सो जाया करता था। वह बहुत वीडियो गेम देखा करता था। इन सारे सेंटेंस में हम अपनी हैबिट और आदत के बारे में ही जिक्र कर रहे होते हैं जो पहले करते थे पर अभी नहीं करते। कुछ ऐसा काम जो पहले करते थे पर अब नहीं करते, कुछ ऐसी आदतें हमारी हैबिट थी पहले पर अब नहीं है। तो हमें जब किसी को बताना होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, यही इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। कॉन्सेप्ट बूस्ट होने पर इससे रिलेटेड आप मोर देन एक्स्ट्रा सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें यूज टू का यूज करना पड़ेगा। इसका हिंदी मीनिंग यदि आप पूछें तो किया करता था या किया करती थी या किया करते थे होता है। स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह रात में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती थी। सी यूज टू यूज व्हाट्सएप एट नाइट। मैं साइकिल से कोचिंग जाता था। आई यूज टू गो कोचिंग बाय साइकिल। चमन लाल गर्ल्स कॉलेज के बाहर घूमता था। चमन लाल यूज टू वंडर आउट ऑफ गर्ल्स कॉलेज। मैं पैदल स्कूल जाता था। आई यूज टू गो स्कूल ऑन फुट। मेरे चाचा धूम्रपान करते थे। माई अंकल यूज टू स्मोक। वे शाम को क्रिकेट खेलते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। वह सुबह दौड़ने के लिए मैदान में जाती थी। सी यूज टू गो ग्राउंड फॉर रन इन द मॉर्निंग। मैं अपने माता पिता के साथ मूवी देखने जाता था। आई यूज टू गो मूवी विथ माई पेरेंट्स। मैं शाम को अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ लंबी सैर पर जाता था। आई यूज टू गो फॉर लॉन्ग ड्राइव विथ माई बोसोम फ्रेंड्स इन द इवनिंग। बोसोम फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र, यह एक idiom है। इन सारे सेंटेंस में हम अपनी आदत ही बता रहे होते हैं, वो फिर ऐसे वर्क जो पहले किया करते थे पर अब नहीं करते। आई होप इसी से रिलेटेड आप अपने फैमिली के, दोस्त के, अपने ऐसे आदत को प्रैक्टिस कर सकते हैं और मोर देन बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए।